अस्सलाम वालेकुम आज मैं बहुत मजे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद हैं जोड़ों के लिए पट्टों के लिए और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को ये दूर करता है ये है फूल मखाने ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है जो बहुत आसान है आपको सिर्फ ये करना है आपको मखाने लेने हैं उसको देसी घी या फिर मक्खन में आप हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि वो क्रंची हो जाए मैंने मक्खन लिया है आप देसी घी भी ले सकते हैं और कोई भी घी भी ले सकते हैं सिंपल सा तो बस इसको देखें फ्राई कर ली है इसके कलर भी चेंज हो गया है फिर मैं इसको निकाल लूँगी फिर इसी पैन में मैं दूध डालूंगी एक गिलास दूध ये बहुत मज़े की खीर बनती है और जो बहुत फ़ायदेमंद है ये ओल्ड एज में जो, जो हमारे बूढ़े होते हैं उनको भी फायदेमंद कर फा, फायदा देती है और हमें भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए ये वाइटमिन डी की कमी को दूर करता है कैल्शियम की कमी को दूर करता है और जोड़ों पट्ठों में और कमर में जो दर्द होता है उन सब का खात्मा करता है मैंने इसमें दूध में डाल दिया है इसमें मैं चीनी डाल दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से दो चम्मच मैंने ऐड करी है, इसको मैं पकाऊंगी हल्की आँच पर अच्छी तरह देखें अभी खीर की फॉर्म में आ रहा है आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं फिर देखेंगे ये देखें मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है खीर की मखाने की खीर ज़रूर ट्राई करिएगा अल्लाह हाफि